हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी मूवी की जो दिखावट भरी दुनिया के पीछे छुपा सच और डार्कनेस को दिखाता है। इस मूवी का नाम है अमेरिकन साइको, जिसका प्रोटैगोनिस्ट पैट्रिक बेटमैन है। ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी दुनिया में कुछ अजीब सी बातें छुपी हुई हैं। उसके फ्रेंड्स, उसका लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग दिखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमको 1998 की बात दिखाई जाती है, जिसमें हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है और ये न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। पैट्रिक बहुत ही दिखावटी दुनिया में जीता है। उसको शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है। वो काफ़ी महंगे कपड़े पहनता है, काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर बहुत एक्सपेंसिव खर्चे भी करता है। ये सब वो अपने कंपेनियंस को जलाने के लिए करता है। पैट्रिक ऐसे काफ़ी लोगों के साथ रहता है जिनको वो खुद भी पसंद नहीं करता था। पैट्रिक अपने दोस्तों और कंपेनियंस को बताता है कि वो कितनी लग्जीरियस लाइफ जीता है, महंगे कपड़े पहनता है, शानदार घर में रहता है। कुछ देर बाद ही पैट्रिक का एक साथी खुद को ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए उन सबको अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है, जो पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये देख कर सब खुश होते हैं, सिर्फ पैट्रिक को छोड़कर, पर पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है। अब वो घर लौटते वक्त गुस्से में एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को मार डालता है। कुछ टाइम बाद पैट्रिक पॉल से एक पार्टी में मिलता है, जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से अच्छा था। पैट्रिक पॉल को इनवाइट करता है अपने घर क्रिसमस पार्टी के लिए। अगले ही दिन ये दोनों पैट्रिक के घर डिनर कर रहे होते हैं और पैट्रिक एक फेमस सॉन्ग प्ले करता है, साथ ही उस गाने की खूबियां भी बताता है। और यही बताते हुए वो पीछे से पॉल को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है और उसकी लाश भी ठिकाने लगा देता है। अब वो पॉल के घर जाता है और कुछ बदलाव करता है, जैसे लंदन के एयर टिकट की फोटोकॉपी रखता है, जिससे अगर कोई पॉल को ढूंढे तो उसको लगे कि वो लंदन गया है। मूवी का सीन चेंज होता है और हमको एक प्राइवेट डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो पॉल के मिसिंग होने पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये डिटेक्टिव पैट्रिक से भी मिलता है, पर उसको कुछ खास पता नहीं चलता। अब पैट्रिक को दिखाया जाता है जो अपने घर में दो प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है और लास्ट टाइम की तरह ही वो एक फेमस सॉन्ग भी प्ले करता है और पैट्रिक उस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है। ये तीनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं और कुछ देर बाद ही पैट्रिक उन दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को कुछ औजारों से बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो दोनों लड़कियां वहां से निकल जाती हैं। अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर इनवाइट करता है और वो राजी भी हो जाती है। अब वो सेक्रेटरी उसके घर आती है और वो ड्रिंक पी रही होती है, तभी पीछे से पैट्रिक उसे ड्रिल मशीन से मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसके घर आने वाली होती है। अब पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को वहां से जाने की बोलता है। कुछ दिन बाद पैट्रिक को वही प्राइवेट डिटेक्टिव मिलने आता है और वो उसको बताता है कि पॉल के इस तरह से गायब होने से वो बहुत हैरान है कि आखिर वो अचानक कहाँ चला गया। पर पैट्रिक इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं देता। अब पॉल का घर खाली होता है और पैट्रिक पहले भी वहाँ जा चुका था, तो इस वजह से वो फिर से दो प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, पर अपने घर में नहीं बुलाता बल्कि पॉल के घर में बुलाता है। कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद वो उनमें से एक लड़की को जान से मार देता है। ये देखकर दूसरी लड़की जान बचाकर भागते हुए जीने से नीचे उतरती है, पर तभी उसका पीछा करते हुए पैट्रिक एक चेनसॉ उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद पैट्रिक एटीएम जाता है कुछ पैसे निकालने, पर जैसे ही वो कार्ड एटीएम मशीन में डालता है वैसे ही उसकी स्क्रीन पर लिखा आता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, और वो पास में ही बैठी एक बिल्ली को उठाकर मारने ही वाला होता है। पर तभी एक औरत उसको ये करने से रोक देती है और पैट्रिक गुस्से में उसको जान से मार देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पैट्रिक उन पुलिस वालों को भी शूट कर देता है। ये सब के बाद पैट्रिक काफी गिल्ट में होता है कि उसने आखिर ये सब किया क्यों, और इसी गिल्ट की वजह से वो अपने लॉयर को फोन करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि फ़ोन लॉयर ने उठाया ही नहीं था और ये सारा कन्फेशन एक वॉइस मेल में चला गया था। कुछ टाइम बाद पैट्रिक को वही डिटेक्टिव एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो पैट्रिक को बताता है कि उसको किसी सोर्स से पता चला है कि पॉल लंदन में है। इसका मतलब पॉल जिंदा है, बस वो किसी को भी बिना बताए लंदन ही चला गया है। ये सुनकर पैट्रिक बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो पॉल का मर्डर कर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। अब रात में पैट्रिक पॉल के घर विजिट करता है कि कहीं उसने कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ दिया, पर उसको पूरा घर खाली ही मिलता है। किसी ने काफी टाइम पहले ही उसके घर को सेल के लिए डाल दिया था।
ये सब पैट्रिक की समझ के बाहर था। वो काफी परेशान हो रहा था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन पैट्रिक की सेक्रेटरी उसके ऑफिस की टेबल क्लीन करते हुए ड्रॉअर में पड़ी एक डायरी देखती है, जिसमें पैट्रिक ने बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर्स बनाई हुई थी। अब एक दिन पैट्रिक की मुलाकात अपने लॉयर से होती है और वो उस कॉल के बारे में पूछता है जो पैट्रिक ने उसको किए थे। वो उसको सारे मर्डर्स की बात भी बताता है, पर उसका लॉयर इन सब बातों को मजाक में लेता है और वो बताता है कि कल ही वो पॉल से लंदन में मिला था और उन दोनों ने साथ में डिनर भी किया था। अब ये सुनकर पैट्रिक सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बेसिकली ये सब पैट्रिक की हैल्यूसिनेशंस थी, मतलब वो जो भी इमेजिन कर रहा था उन सब चीज़ों को वो सच मानकर चल रहा था। इसका मतलब पैट्रिक ने अब तक जितने भी मर्डर किए थे वो सब उसने अपने दिमाग में ही इमेजिन कर रखे थे। ये सब इमेजिनेशन का रीजन यही था कि वो रियल लाइफ में इन सबको पसंद नहीं करता था। तो ये थी अमेरिकन साइको मूवी की कहानी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।